पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, तो इसका न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, आपको क्वेश्चन में तीन चार्ज देगा, एक दो और तीन, आपको तीन चार्ज रख के दो डिस्टेंस भी देगा, 4 और 5 मीटर, फिर आपको कहेगा सिस्टम की एनर्जी निकालो। तो देखो तीन चार्ज हैं, दो दो करके पेयर लेने हैं, 1/4 pi epsilon naught, 1 × 2/4, दूसरा पेयर क्या बनेगा, 1/4 pi epsilon naught, 2 × 3/5, और तीसरा पेयर क्या बनेगा, 1 और 3 का डिवाइडेड बाय 9। ये भूल मत जाना कि ये पेयर और कॉर्नर वाला भी पेयर, तो ऐसे आंसर आएंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो कहेगा तीन चार्जेस हैं, माइनस क्यू, बड़ा क्यू और माइनस क्यू, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो आर और आर ले लिया मैंने। क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज जीरो, कह रहे जी एनर्जी निकालो और जीरो पुट कर दो, तो बताओ बड़ा और छोटे चार्ज की रेशियो क्या होगी। तो आप पेयर निकालो, इसमें पेयर लेके एनर्जीज निकालो, तो पहले एनर्जी किसकी, माइनस क्यू और क्यू की, करेक्शन कर लेना, 1/4 pi epsilon naught माइनस क्यू इंटू क्यू बाई आर, क्लियर है, यहाँ करेक्शन होगी 1/4 pi epsilon naught क्यू इंटू माइनस क्यू बाई आर, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, माइनस क्यू, क्यू इंटू माइनस क्यू बाई आर करो, ठीक है। और तीसरा पेयर माइनस क्यू और माइनस क्यू का, तो क्या आएगा, यहां भी माइनस आएगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2R, और इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो। समझ में आ रहा है यहां तक? पहले दो, दूसरे दो और आखिरी दो, इक्वल टू जीरो। तो यहां से 1/4 pi epsilon naught गया, यहां से R, R और R की वैल्यू भी गई, क्या बचा, माइनस क्यू क्यू, माइनस क्यू क्यू, क्यू स्क्वायर, ये टर्म बच गई, छोटा क्यू छोटा क्यू छोटा क्यू भी गया, ये बच गया, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, क्लोज हो गया। तो कैसे करना है सॉल्व, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है?